हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट्रोल पंप मशीन की डेंसिटी कैसे चेंज की जाती है। तो फ्रेंड, जब आपके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की गाड़ी आती है, उस समय उस पेट्रोल डीजल का डेंसिटी लेना होता है आपको, और डेंसिटी लेकर फिर वो गाड़ी खाली करने के लिए कहा जाता है। तो जब डेंसिटी ली जाती है, तो फ्रेंड उस डेंसिटी को पेट्रोल पंप मशीन में भी चेंज करना पड़ता है। तो कैसे चेंज की जाती है, मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ। ओके फ्रेंड, पेट्रोल पंप मशीन की डेंसिटी कैसे चेंज की जाती है, तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी लिखा हुआ है। अभी इसमें 700 है। हमारे पास जो गाड़ी आई है, उस टैंकर की डेंसिटी जो है इनवॉइस पर, वो ए है, हमने इस पर लिख ली है। हमारी पेट्रोल की डेंसिटी है जो 745.8 और डीजल की है जो 821.7। तो हम इसको चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये डेंसिटी डिस्प्ले है, ये हमारा कीपैड है। अब हमें क्या करना होगा, ये हमारी टोकियम की मशीन है। देखिए फ्रेंड, पेट्रोल डीजल चार नोजल होते हैं इसमें, दो इस साइड दो उस साइड। तो अब हमें इसकी डेंसिटी चेंज करना है। तो डेंसिटी चेंज करने के लिए फ्रेंड हमें यहाँ पे करना होगा, ये P1 वाला बटन है, इसको दबाएंगे। P1 1006 और यहाँ पर हम इंटर कर देंगे, और इस पर डालेंगे हम पासवर्ड। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने P1 1006 इंटर कर दिया है। अब देखिए ये मांग रहा है यूज पासवर्ड, तो हमें फोर वर्ड का जो पासवर्ड होता है हम वो डालेंगे। तो हमें डालना है 3 2 2 2 2, ये मैं बता रहा हूँ आपको टोकियम मशीन का, और यहाँ पे इंटर कर देंगे। सिलेक्ट नोजल, तो ये बोल रहा है सिलेक्ट नोजल। चार नंबर पर करेंगे तो पेट्रोल की डेंसिटी चेंज होगी, और दो नंबर पर करेंगे तो डीजल की। तो पहले हम करते हैं डीजल की, इसको हम कर देते हैं इंटर। अब देखिए इस पर आ रहा है सेट डेंसिटी, तो हमारी अब डेंसिटी हमें देखनी होगी। डीजल की हमारी डेंसिटी है 821.7, तो हम इस पर कर देंगे 821.7। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारी हो गई है 821.7, और यहाँ पे हमने कर दिया इंटर। तो देखिए फ्रेंड, हमारी जो डीजल की डेंसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब फ्रेंड हमें क्या करना होगा, अब हमें पेट्रोल का डेंसिटी चेंज करना है। तो सेम वैसे ही प्रोसेस है, पेट्रोल की डेंसिटी भी हम वैसे ही चेंज करेंगे जैसे कि हमने डीजल की है। तो देखिए यहाँ पे कीपैड में हम करेंगे P1 1006 इंटर, पासवर्ड डालेंगे, वही पासवर्ड डाल देंगे हम, हमने पासवर्ड डाल दिया है। अब ये मांग रहा है फोर नंबर और टू नंबर नोजल, तो हम मैंने अभी आपको बताया कि टू नंबर है वो डीजल का है, और फोर नंबर है वो पेट्रोल का है। अब हम करेंगे पेट्रोल का, तो हम पेट्रोल पे फोर नंबर दबाएंगे, और यहाँ पे फोर नंबर ये बीच में सिलेक्ट हो गया, इसको कर देंगे हम इंटर। इंटर करने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे आ रहा है सेट डेंसिटी, तो हम इसको कर देंगे इंटर। अब ये डेंसिटी लिख के आ गया है इस पर, तो हमें अब इसकी पेट्रोल वाली डेंसिटी चेंज करनी है। तो हमारी है 745.8, तो यहाँ पर 745.8 ये हमने कर दिया। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारी आ गई 745.8, और इसको हम कर देंगे इंटर। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारी डेंसिटी चेंज हो गई है। अभी इस पर 700 है, जैसे ही हम पेट्रोल का नोजल उठाएंगे, पेट्रोल का हम नोजल जैसे ही उठाएंगे, तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी चेंज, पेट्रोल की डेंसिटी हमारी चेंज हो गई है 745.8, ये हमारी चेंज हो गई है। तो फ्रेंड ऐसे डेंसिटी चेंज की जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको डेंसिटी चेंज करना सीख गए होंगे। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ। ओके फ्रेंड, नमस्कार।